स्टडी हैम्पर रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेकिन इसे स्टडी करने से पहले हम अपना मेन टॉपिक देख लेते हैं। तो मेन टॉपिक है कमिटीज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, कि इंटरनेशनल लेवल पर जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवॉल्व हुआ तो कौन कौन सी कमिटीज बनी। तो सबसे पहले आई थी कैडबरी कमेटी रिपोर्ट 1992 में, फिर आई ग्रीनबरी रिपोर्ट 1995 में। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही रिपोर्ट्स हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वीडियोस देख सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी हैम्पल रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो लेट्स बिगिन हैम्पल रिपोर्ट 1998 ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले हम इसकी नीट पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन था जिस वजह से हैम्पल कमेटी बनाई गई, क्योंकि ऑलरेडी कैडबरी रिपोर्ट एंड ग्रीनबरी रिपोर्ट आ चुकी थी। तो ऐसा क्या नया इशू अराइज हो गया जिसको रिजॉल्व करने के लिए हैम्पल कमेटी बनाई गई। तो इसकी नीड है टू सॉल्व कंफ्यूजन अमंग कंपनीज रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट। तो फ्रेंड्स, इसकी नीड को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हैम्पल कमेटी से पहले कैडबरी कमेटी एंड ग्रीनबरी कमेटी बन चुकी थी। कैडबरी कमेटी ने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी एंड ग्रीनबरी कमेटी ने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन अराइज होती है कंपनीज के लिए। कंपनीज कंफ्यूज हो गई कि वो कैडबरी की रिकमेंडेशंस फॉलो करें या ग्रीनबरी की रिकमेंडेशन फॉलो करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाई गई हैम्पल कमेटी। तो हैम्पल कमेटी ने क्या करा, हैम्पल कमेटी ने कैडबरी की रिकमेंडेशंस एंड ग्रीनबरी की रिकमेंडेशंस दोनों को रिव्यू करा, रिवाइज करा और मिला के बना दिया कंबाइंड कोड। तो इससे कंपनीज की कंफ्यूजन दूर हो गई, क्योंकि अब कंपनी को सिर्फ कंबाइंड कोड ही फॉलो करना था। तो ये रीजन था फ्रेंड्स जिस वजह से हैम्पल कमेटी बनाई गई। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसकी नीड समझ आ गई होगी, टू सॉल्व कंफ्यूजन अमंग कंपनीज रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट, कि कंपनीज की जो कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट उसे सॉल्व करना, एंड टू मेक अ कंबाइंड कोड फॉर कंपनीज टू फॉलो ऑन बेसिस ऑफ कैडबरी एंड ग्रीनबरी रिकमेंडेशंस, कि कैडबरी एंड ग्रीनबरी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक कंबाइंड कोड बनाना। तो फ्रेंड्स, ये नीड थी जिस वजह से हैम्पल कमेटी बनाई गई। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट। हैम्पल कमेटी इज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1995। हैम्पल कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी नवंबर 1995 में। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। हैम्पल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी 1998 में। नेक्स्ट इज चेयरमैन। हैम्पल कमेटी के चेयरमैन थे सर रोनाल्ड हैम्पल, इन्हीं के नाम पर कमेटी का नाम पड़ा। नेक्स्ट इज मेन पर्पस। हैम्पल कमेटी का मेन पर्पस वही है जिस वजह से ये बनी थी। ये इसलिए बनी थी ताकि कंपनीज की कंफ्यूजन दूर हो सके और उनके लिए सिर्फ एक कोड हो जिसे वो फॉलो करें। तो इस कमेटी का मेन पर्पस भी वही है। फर्स्ट इज टू रिव्यू एंड रिवाइज द रिकमेंडेशंस ऑफ कैडबरी कमेटी एंड ग्रीनबरी कमेटी, कि कैडबरी कमेटी और ग्रीनबरी कमेटी की रिकमेंडेशंस को रिव्यू करना, रिवाइज करना। एंड सेकंड इज टू रिव्यू वेदर द कोड्स ओरिजिनल पर्पस वाज बीइंग अचीव्ड, कि क्या कोड का ओरिजिनल पर्पस अचीव हो गया है। इस चीज को रिव्यू करना भी इस कमेटी का मेन पर्पस था। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये पिक्चर है सर रोनाल्ड हैम्पल की, जो चेयरमैन थे इस कमेटी के। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस। हैम्पल कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज कंबाइंड कोड। इट सेड दैट ऑल कैडबरी एंड ग्रीनबरी गाइडलाइंस शुड बी कंसोलिडेटेड इनटू कंबाइंड कोड, कि कैडबरी एंड ग्रीनबरी की गाइडलाइंस को मिलाकर एक कंबाइंड कोड होना चाहिए जिससे सारी कंपनीज फॉलो करें एंड कंपनीज को कंफ्यूजन ना हो। सेकंड रिकमेंडेशन इज इट इम्फेसाइज दैट डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल इन जनरल मीटिंग, कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज इट इज द बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन अ साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंपनी में इंटरनल कंट्रोल का साउंड सिस्टम बना रहे। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज दिस रिपोर्ट इम्फेसाइज्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस रेदर देन गाइडलाइंस। ये रिपोर्ट फोकस करती है कि गुड गवर्नेंस के लिए प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना कि गाइडलाइंस।
एंड अवॉइड बॉक्स टिकिंग अप्रोच सो एज टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज. एंड बॉक्स टिकिंग अप्रोच को अवॉइड करना चाहिए, इसे यूज नहीं करना चाहिए ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आए एंड जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर एक कंपनी में एप्लीकेबल हो सके. तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि बॉक्स टिकिंग अप्रोच क्या होती है. तो बॉक्स टिकिंग अप्रोच का मतलब है अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस जो फिक्स होते हैं कि हर एक कंपनी में यही रूल्स फॉलो होंगे. तो फ्रेंड्स, अब ये पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि हर एक कंपनी की अलग सिचुएशंस है, वहां पे सेम रूल अप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए हमें बॉक्स टिकिंग अप्रोच अवॉइड करनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी चाहिए अपने कोड ऑफ कंडक्ट में. नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज इट रिक्वायर्स दैट पब्लिक लिस्टेड कंपनीज डिस्क्लोज हाउ दे हैव कंप्लाइड विद द कोड एंड एक्सप्लेन वेयर दे हैव नॉट अप्लाइड द कोड. कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए ये ज़रूरी है कि वो डिस्क्लोज करें कि उन्होंने किन जगह पर कोड अप्लाई करा है और जिन जगह पे कोड अप्लाई नहीं करा है उसे भी एक्सप्लेन करें कि वहाँ कोड अप्लाई क्यों नहीं करा, रीज़न भी दें. ओके फ्रेंड्स, तो ये थी इसकी रिकमेंडेशंस. नेक्स्ट इज कॉन्क्लूजन. हैम्पल कमेटी ने कंक्लूड करा है हैम्पल रिपोर्ट रिलाइड मोर ऑन ब्रॉड प्रिंसिपल्स एंड कॉमन सेंस अप्रोच. कि हैम्पल रिपोर्ट रिलाई करती है ब्रॉड प्रिंसिपल्स पे और कॉमन सेंस अप्रोच पे विच वॉज नेसेसरी टू अप्लाई इन ऑल डिफरेंट सिचुएशंस, जो कि जरूरी है सभी डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई करने के लिए रेदर देन कैडबरी एंड ग्रीनबरी बॉक्स टिकिंग अप्रोच, ना कि कैडबरी और ग्रीनबरी की बॉक्स टिकिंग अप्रोच की तरह. दिस कोड अडॉप्ट अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच. कि हैम्पल रिपोर्ट ने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया है वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है. ओके फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए. ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड टेक केयर. ओके, गुड बाय.